सब लोग केमिस्ट्री का नोट लिए थे। बायोलॉजी का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर हो गया है। बायोलॉजी का तीनों चैप्टर का क्वेश्चन याद है ना? याद करते जाइए, इन्हें खत्म होते गया, याद कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन मिस होगा, नाम मेरिट लिस्ट से गिर जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। एक एक प्रश्न याद करना पड़ेगा, नहीं हो रहा है याद, नहीं नौकरी होगा। तो बायोलॉजी का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। प्रश्न का भी वीडियो क्लास अवेलेबल करा दिए हैं, आंसर बोले थे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप आंसर वहां से ले सकते हैं अगर वीडियो क्लास में ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहते हैं तो। अब केमिस्ट्री की आज से शुरुआत कर रहे हैं। सबको बोले थे केमिस्ट्री का नोट ले लेने के लिए और थ्योरी को पढ़ने के लिए। बाकी एक एक क्वेश्चन को आपको करवाएंगे और क्लास में ही याद हो जानी चाहिए क्वेश्चन। अब यही होगा, एक चैप्टर केमिस्ट्री, फिर एक चैप्टर बायोलॉजी, क्योंकि तीन चैप्टर के बाद बायोलॉजी में भी 15 चैप्टर हो गए हैं, 14 चैप्टर रह गए हैं और केमिस्ट्री में भी 14 चैप्टर हैं। एक एक करके अब आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री ख़त्म होगा। तो सारे लोग केमिस्ट्री का नोट ले लिए हैं, जो नहीं लिए हैं वो ले लेंगे, क्या करिएगा। और अब प्रश्नों को जमा मत करिएगा कि जमा कर दिए हैं, एग्जाम डेट आएगा तब याद करेंगे। इस तरह का जो टेंडेंसी अगर किसी का है तो समझ जाइए कि वो नौकरी नहीं होने का टेंडेंसी है। साथ साथ याद करना पड़ेगा, पंखा हवा की दर फेंक रहा है। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के पहला चैप्टर। ऑनलाइन वाले सबको नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, करा दिए हैं। तो अब आइए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर का। नाम देख ही लिए है, पहला चैप्टर है पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ के बारे में और पदार्थ के प्रकार के बारे में सारे प्रश्न हैं और प्रश्नों की संख्या पूरा कंप्लीट है, मतलब उससे बाहर प्रश्न जा नहीं सकता है और उससे बाहर गया तो भारत में कोई बना नहीं सकता है, ठीक है ना, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आइए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है ना, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ होने की कई विशेषताएं हैं, एक पदार्थ में कई विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है जानते हैं, कि पदार्थ है या पदार्थ नहीं है यह क्लियर हो जाएगा किससे, द्रव्यमान। द्रव्यमान वही भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको किस में मापते हैं। तो पदार्थ के कई विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता है कि पदार्थ में द्रव्यमान पाया जाता है, पदार्थ में द्रव्यमान पाया जाता है। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो निश्चित ही वो क्या है, पदार्थ है, और अगर द्रव्यमान नहीं है तो वो पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है दोस्तों। जैसे आपसे पूछेगा कि क्या पत्थर जो है, पत्थर जो है वो पदार्थ है, हाँ पत्थर पदार्थ है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान समझ रहे ना आप, ऐसा ही मात्र क्या है इसका, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो पत्थर पदार्थ है कि नहीं है। लेकिन वही आपसे पूछेगा ऊष्मा, ऊष्मा, ऊष्मा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हीट कहते हैं, ये पदार्थ है नहीं है, पदार्थ पत्थर पदार्थ है, क्यों, तो उसमें द्रव्यमान है। पदार्थ होने के लिए सबसे बड़ा गुण जो होने का आवश्यक है वो क्या है,
धर्मों है तो पदार्थ है, धर्मों नहीं है तो पदार्थ उष्मा पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें धर्मों नहीं है। उष्मा को केजी में माप सकते हैं? उष्मा में धर्मों है नहीं तो उष्मा पदार्थ नहीं है। उष्मा एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे जूल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? जूल में। लेकिन इसमें धर्मों नहीं है, इसीलिए उष्मा पदार्थ नहीं है। तो एक वस्तु पदार्थ है या नहीं है वो सिर्फ एक बातों से क्लियर हो जाएगा। अगर धर्म मौन है तो वस्तु पदार्थ है, और अगर धर्म मौन नहीं है तो वस्तु पदार्थ नहीं है। पत्थर जो है वो पदार्थ है लेकिन उष्मा पदार्थ नहीं है। क्यों? पत्थर में धर्म मौन है लेकिन उष्मा में धर्म मौन नहीं है। उष्मा में धर्म मौन नहीं है। ठीक उसी तरह आपका पढ़ने वाला किताब पदार्थ है? है। आ किसी वस्तु पर लगा बल पदार्थ है? किसी वस्तु पर लगा बल पदार्थ है? बल पदार्थ नहीं है, क्योंकि बल में धर्म मौन नहीं होता है। बल को हम केजी से माप सकते हैं? नहीं। बल को मापा जा सकता है लेकिन केजी में नहीं, क्योंकि इसमें धर्म मौन होता। किताब पदार्थ है लेकिन बल पदार्थ नहीं है। क्लियर हुआ? अब पदार्थ में दिक्कत होगा। पदार्थ होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए? धर्म मौन होनी चाहिए। धर्म मौन है तो पदार्थ है, अधर्म मौन नहीं है तो पदार्थ नहीं है। अब आइए सवाल पर। अब तो पदार्थ में कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा कि पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका अपना कुछ धर्म मौन होता है। बिल्कुल, पदार्थ होने की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें क्या होता है? धर्मान होता है। जिसका अपना कुछ आयतन होता है। बिल्कुल, जिस पदार्थ में धर्मान होगा उसका आयतन भी होगा। आयतन यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। आयतन समझते हैं ना? एक पदार्थ की लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को ही उस पदार्थ का। तो निश्चित तौर पर पदार्थ है तो उसमें आयतन भी होता है। पदार्थ में जैसे पत्थर में धर्मान है तो पत्थर में धर्मान है तो उसका कुछ आयतन भी होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल, पदार्थ में आयतन भी होता है। और पदार्थ अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, पदार्थ अवरोध उत्पन्न करते हैं। पत्थर से ठोकर खाकर हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकता है। इसका मतलब वो क्या उत्पन्न कर रहा है? यानी पदार्थ होने की ये सारी विशेषता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में। तो पदार्थ वो है जिसमें धर्मान होता है, आयतन होता है, जो स्थान घेरती है, जो अवरोध उत्पन्न करता है। पदार्थ जिसमें धर्मान होता है, जिसमें आयतन होता है, जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, और जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। लेकिन सारी विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता है कि पदार्थ में क्या होनी चाहिए? धर्मान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अगर धर्मान है तो निश्चित वो पदार्थ है, धर्मान नहीं है तो निश्चित वो पदार्थ नहीं है। क्लियर? बात समझे? कहीं अब दिक्कत होगा, पदार्थ कौन है कौन नहीं है, दिक्कत होगा। पदार्थ होने की सबसे बड़ी विशेषता धर्मान होनी चाहिए। आपसे पूछेगा बल एक भौतिक राशि है लेकिन बल पदार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि बल में धर्मान। बल को मापा जा सकता है, न्यूटन में मापा जा सकता है, परंतु उसमें धर्मान नहीं होने के कारण वो पदार्थ नहीं है। आपसे पूछेगा तापमान टेम्परेचर पदार्थ है? नहीं है, क्योंकि उसमें धर्मान है नहीं है। भोजन का स्वाद पदार्थ है? स्वाद को माप सकते हैं? नहीं। क्लियर? तो कौन पदार्थ होगा, कौन पदार्थ नहीं होगा, इसमें अब कोई कंफ्यूजन रह गया? पदार्थ होने की कई विशेषताएं हैं। धर्मान होगा, आयतन होगा, स्थान घेरेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? धर्मान होनी चाहिए। पहला कैंसर क्या होगा? डी होगा। पहला कैंसर डी होगा। क्लियर? हाँ, बल का सही मात्रक किसमें? बल में केजी है तो बल में धर्मान। धर्मान होने का मतलब केजी में माप सकते हैं। केजी है तो केजी हो गया। आ?
मतलब 12 को कितना लिख सकते हैं, 3×4 लिख सकते, तो 12 तीने है नहीं ना है, तो वही है बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता। बल में केजी है लेकिन वो पूरा का पूरा द्रव्यमान मापने का इकाई तो नहीं ना है, बल पदार्थ नहीं है क्योंकि उसे केवल केजी में मापा नहीं जा सकता है। क्लियर, आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन याद हो गया। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता, जिसका अपना कुछ आयतन होता, जो उपर्युक्त में पदार्थ होने की सबसे बड़ी विशेषता उसमें क्या होनी चाहिए, द्रव्यमान होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब बताइए यहां पर निम्नलिखित में कौन एक पदार्थ नहीं है, कौन एक पदार्थ नहीं है जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा, वो पदार्थ नहीं होगा। पत्थर को माप सकते हैं केजी में, दूध को, जल को, बिल्कुल दूध में भी द्रव्यमान है, जल में भी द्रव्यमान है, पत्थर में भी द्रव्यमान है, लेकिन बल को क्या केजी में किलोग्राम में मापा जा सकता है, मतलब इसमें द्रव्यमान नहीं है, मतलब बल पदार्थ नहीं है, बल पदार्थ नहीं है। जल यानी कि पीने वाला जल, एक पूछ रहा जल क्या होता है, जल यानी पानी। आगे बढ़े, पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत, दूसरा में बल पदार्थ, लेकिन पत्थर पदार्थ क्यों है, क्योंकि पत्थर में द्रव्यमान है उसे केजी में माप सकते हैं। जल पदार्थ क्यों है, क्योंकि जल को भी हम माप सकते हैं, जल को भी हम माप सकते हैं, अंतर यही है उसे बर्तन में लेकर मापना पड़ेगा। कौन एक पदार्थ है, भोजन पदार्थ है, बिल्कुल भोजन पदार्थ है, क्योंकि भोजन में द्रव्यमान होता है। 100 ग्राम भुजा खरीदते हैं जी, उसमें द्रव्यमान है, वो भी तो भोजन है ना, तो भोजन में द्रव्यमान है, लेकिन उष्मा में द्रव्यमान है तो उष्मा पदार्थ नहीं है। ताप में द्रव्यमान है, सुंदरता में द्रव्यमान है, तो हम ना तो सुंदरता को केजी में माप सकते हैं, ना ताप को केजी में माप सकते हैं, ना उष्मा को केजी में माप सकते हैं। इसका मतलब उष्मा ताप सुंदरता पदार्थ नहीं है, लेकिन भोजन को केजी में मापा जा सकता है, भोजन को केजी में मापा जा सकता है, इसलिए भोजन पदार्थ है, भोजन पदार्थ है। क्लियर, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है। तो आप पहले पदार्थ के गुणों को समझ लीजिए, पदार्थ के गुणों को, पदार्थ क्या है समझ गए, सबसे बड़ी विशेषता द्रव्यमान होनी चाहिए। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुणों से ही रिलेटेड प्रश्न है, और अगर पदार्थ के गुण को समझ गए, पदार्थ के गुण को आप समझ गए, तो उस इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न, अति पहला गुण यह है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ जो है वह सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों को दोस्तों कहते हैं एटॉम कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, परमाणु। जितने भी पदार्थ होते हैं वे सब छोटे से छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन छोटे कणों को क्या कहते हैं, एटॉम कहते हैं। यानी जिस तरह सजीव कोशिका से मिलकर बना होता है, उसी तरह पदार्थ निर्जीव होते हैं, और वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सजीव कोशिका से मिलकर, निर्जीव परमाणु से मिलकर, पदार्थ निर्जीव होते। तो पदार्थ की पहली विशेषता कि सारे के सारे पदार्थ
इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु दूसरी विशेषता कि सूक्ष्म कण परमाणु यानी एटम गतिशील रहते हैं। क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं, यानी पदार्थ जिन परमाणुओं से बनते हैं वो परमाणु गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं, वो आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे करते ही रहते हैं, यानी परमाणु स्थिर नहीं रहते हैं। वो अनवरत क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। अंतर यही है कि किसी पदार्थ के परमाणु बहुत तेज गति करते हैं और किसी का बहुत धीमा करता है। जैसे ठोस पदार्थ का परमाणु जो है वो बहुत कम गति, मतलब बहुत कम वेग से गतिशील होता है, और गैस का बहुत तेजी से। तो पदार्थ की पहली विशेषता कि सबके सब पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, और वो सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं, और वो परमाणु क्या स्थिर रहते हैं, अनवरत गतिशील रहते हैं। हाँ, ये है कि किसी पदार्थ के परमाणु बहुत तेज गतिशील रहते हैं और किसी का बहुत धीमा गतिशील रहते हैं, किसी का बहुत धीमा। और परमाणु की गति जो होती है, अब कहिएगा परमाणु गति करेगा तब तो पदार्थ हो गति करना चाहिए, तो परमाणु या कि जो गति होती है वो कंपन गति होती है। क्या होती है? कंपन गति। अगर पदार्थ ऊपर नीचा आगा पीछा कर रहा, इस तरह की गति को कंपन गति कहते, वाइब्रेटरी मोशन कहते। तो परमाणु जो है कंपन गति करता है, वो अपने स्थान पर ही रहकर ऊपर नीचा आगा पीछा करते रहता है। पदार्थ की तीसरी विशेषता है कि जो परमाणु होते हैं पदार्थ के, वह परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? और उस आकर्षण को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि अंतरणविक बल, यानी पदार्थ के परमाणु जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित पदार्थ के परमाणुओं के आकर्षण को अंतरणविक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। तो हर एक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ, जिसे क्या कहते हैं? पदार्थ के सूक्ष्म कण परमाणु अपने स्थान पर रहकर कंपन गति करते रहते हैं, यानी परमाणु अनवरत गतिशील रहते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु को अट्रैक्ट करता है, और परमाणुओं के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब पदार्थ के जो परमाणु है, तो पदार्थ के किन्हीं दो परमाणुओं के बीच कुछ ना कुछ स्थान खाली रहता है, कुछ ना कुछ स्थान खाली रहता है। उस खाली स्थान को इंटर मॉलिकुलर स्पेस कहते हैं, यानी कि अंतरणविक स्थान कहते हैं। तो पदार्थ की इतनी विशेषता याद हो गया। ये सारे पदार्थ, किसी भी पदार्थ में ये चारों गुण होगा। शरीर भी पदार्थ है, बिल्कुल शरीर भी पदार्थ है। आशुतोष राणा पूछ रहा है शरीर पदार्थ है कि न? बिल्कुल पदार्थ है, शरीर में द्रव्यमान है तो शरीर पदार्थ है, लेकिन शरीर जिंदा है तो वो सजीव पदार्थ है, मर गया तो निर्जीव पदार्थ है। क्लियर? सारे के सारे पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ के सूक्ष्म कण अर्थात परमाणु अपने स्थान पर रुके रहते हैं या गतिशील रहते हैं? गतिशील रहते हैं। पदार्थ के परमाणु एक दूसरे पर जो आकर्षण बल लगाते उसे क्या कहते हैं? पदार्थ के परमाणुओं के बीच कुछ ना कुछ स्थान खाली होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो सभी पदार्थ में मुख्य रूप से कितने गुण मौजूद होते हैं? चारों गुण याद हो गया।
सूक्ष्म कण परमाणु से बने होते हैं, उनके बीच स्थान होता है जिसे अंतरणविक स्थान कहते हैं। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो अनवरत अपने स्थान पर कंपन गति करते रहते हैं, परमाणु स्थिर नहीं रहते हैं। परमाणु क्या होते हैं? गतिशील रहते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अब इस क्वेश्चन को बनाइए, पहले सारा ऑप्शन पढ़िए। ऑनलाइन वाले दोस्तों क्या होगा? पदार्थ अति सूक्ष्म कण अणु या परमाणु का बना होता है। बिल्कुल सही। अणु के बारे में हम अभी बात नहीं की है, अगला चैप्टर में करेंगे विस्तार पूर्वक। क्या? हाँ, आप समझिए, जिस तरह कोशिका मिलकर उत्तक बनाते हैं ना, उसी तरह परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। पदार्थ के सूक्ष्म कण अनवरत गतिशील रहते हैं। अनवरत का पर्यायवाची लगातार, लगातार। अनवरत का पर्यायवाची लगातार गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है। ये क्या है? गलत है। ये क्या है दोस्तों? सी नंबर गलत है। पदार्थ के कणों के बीच अर्थात परमाणुओं के बीच आकर्षण होता है। सिक्कू कुमारी, शशि यादव, सबका आंसर आ रहा है सही, सी नंबर, कि पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है। ये गलत है। आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। क्लियर? अब बहुत लोग कमेंट कर रहा है कि पूरा करवाइए, पूरा आधा करवा रहे हैं जी। एक एक क्वेश्चन याद होते जा रहा है ना। हाँ, परीक्षा में बनोनो है क्या? क्वेश्चन उड़ाने पूरा थ्योरी के साथ बता रहे हैं, नहीं तो ये भी करने हमको भी आता है। पूरा क्वेश्चन हमको याद है, तुरंत करवा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट बताते हुए आपको आगे बढ़े। चार क्वेश्चन हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है ना। आए, पांच नंबर भारती कुमारी, पांच नंबर पाइए। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में शामिल। देखिए, पदार्थ तो सारे के सारे एक जैसे नहीं है, तो पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है दो तरह से, एक भौतिक वर्गीकरण फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। पदार्थ का वर्गीकरण दो तरह से, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का मतलब होता है रंग रूप आकार ऊंचाई गहराई मोटाई घनत्व ये सब। जब हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से किस प्रकार अभिक्रिया करेगा। रासायनिक वर्गीकरण में मुख्यतः हम देखते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? रंग रूप आकार ऊंचाई मोटाई घनत्व उबलना गलना ये सब क्या है? भौतिक गुण है। इस आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो क्या कहलाएगा? भौतिक वर्गीकरण। लेकिन अगर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से किस प्रकार व्यवहार करेंगे, अर्थात किस प्रकार अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, मतलब हम उस पदार्थ के किन गुणों की जांच कर रहे हैं? रासायनिक गुणों का। रासायनिक गुणों के अंतर्गत मुख्यतः ये आता है कि वो रिएक्ट किस प्रकार करेगा जब वो किसी दूसरे पदार्थ से मिलेगा। तो पदार्थ का वर्गीकरण वहां पर काय बैठी जी दिख रहा है, हाँ? पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है वो दो तरह से होता है, भौतिक वर्गीकरण और एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या कोशिका पदार्थ है? बिल्कुल, कोशिका भी पदार्थ हो जाएगा क्योंकि उसमें भी द्रव्यमान है, ठीक है ना? तो कोशिका भी पदार्थ है, ठीक है? कोशिका भी पदार्थ है, सजीव पदार्थ के अंतर्गत उसे हम शामिल कर सकते हैं। अगर जीवित है, मृत है, तो फिर कोशिका मृत पदार्थ हो जाएगा। क्लियर? तो पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से हो सकता है? भौतिक और भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों ठोस,
द्रव गैस, ठोस द्रव गैस भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत, और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत तत्व, यौगिक और मिश्रण, तत्व यौगिक और मिश्रण। क्लियर? तो पदार्थ को अगर भौतिक रूप से बांटेंगे तो वह कितने भागों में बटेगा? दो भागों में, सॉरी तीन भागों में, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। और रासायनिक रूप से तत्व यौगिक और मिश्रण, तत्व यौगिक और फिर तत्व को बांटा जाता है, तत्व को बांटा जाता है मुख्य रूप से धातु और अधातु में, मेटल और नल मेटल में, मेटल और फिर उसी तरह जिस तरह हम तत्व को बांटते हैं धातु और अधातु में, तो यौगिक को बांटते हैं अम्ल भस्म और लवण में, अम्ल भस्म और लवण में, अम्ल भस्म और लवण में। और ठीक उसी तरह मिश्रण को बांटते हैं, मिश्रण को बांटते हैं, ठीक है, बिलियन बिलियन कोलाइड कोलाइड नीलंबन, नाम सुने होंगे आप, बिलियन कोलाइड और नीलंबन। तो इस तरह से वर्गीकरण होता है पदार्थ के। एक बार पुनः देख लीजिए दोस्तों कि पदार्थ का अगर हम भौतिक वर्गीकरण करें तो ठोस द्रव गैस, रासायनिक वर्गीकरण करें तो तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक। तो अगर भौतिक वर्गीकरण देखें उस हिसाब से भी पदार्थ मुख्य तीन प्रकार के, और अगर रासायनिक वर्गीकरण करें तो उस आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के, तत्व यौगिक मिश्रण। अब पुनः तत्व को बांटा जाता है धातु और यौगिक को बांटा जाता है, मिश्रण को बांटा जाता है बिलियन कोलाइड, यानी बिलियन कोलाइड निलंबन क्या है, अम्ल भस्म लवण क्या है, धातु अधातु क्या है। बाकी इन सब के बारे में आगे चैप्टर पूरा का पूरा है, जिसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट धातु अधातु का समझेंगे, अम्ल भस्म लवण का समझेंगे, बिलियन कोलाइड निलंबन का समझेंगे, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन बंटवारा आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब आप क्या इस प्रश्नों को नहीं बना सकते हैं ऑनलाइन वाले दोस्तों? क्या 5 नंबर का उत्तर आप नहीं दे सकते हैं? करे पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में कौन एक शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? धातु, बिल्कुल। धातु किसका प्रकार है? तत्व का प्रकार है। और तत्व कौन सा वर्गीकरण है? इसीलिए धातु रासायनिक के अंतर्गत आ जाएंगे, भौतिक के अंतर्गत नहीं आएंगे। वेरी गुड शशि यादव, भारती कुमारी। यौगिक क्या होता है? यौगिक आगे हम पढ़ेंगे, इसी आगे क्वेश्चन है यौगिक के बारे में, समझे ना। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर होने दीजिए ना। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, धातु क्या है, सब पता चलेगा आपको दोस्तों। तो 6ठा प्रश्न पढ़ाए, पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था होते हैं? पदार्थ के मुख्य 3 अवस्था होते हैं, ठोस द्रव गैस। पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था? 3, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस, जैसे पत्थर ठोस है, जल द्रव है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन क्या है? पत्थर भी पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, ऑक्सीजन भी पदार्थ है, क्योंकि सब में द्रव्यमान है, लेकिन इनकी अवस्थाएं क्या है? अलग अलग है। तो पदार्थ मुख्य 3 अवस्था में होते हैं, मुख्य 3 अवस्था में, और मुख्य 3 अवस्था है ठोस द्रव, मुख्य 3 अवस्था है ठोस द्रव गैस। ये भौतिक वर्गीकरण भी इसी आधार पर इसी तरह होता है, ठोस द्रव। तो पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था है? 3 अवस्था है पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था है? 3 अवस्था है कौन कौन? ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। पदार्थ के अवस्थाओं की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या। तो दोस्तों 2 और अवस्थाएं का खोज हो चुका है, एक चौथी अवस्था
चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था है बोस आइंस टीन कंडन सेट। तो मुख्य तीन अवस्थाएं हैं, मुख्य कितने हैं? तीन है। अगर आपसे मुख्य कहे मुख्य कितनी अवस्था है तो तीन, ऑप्शन में पहुंच रहेगा ही नहीं, तो मुख्य तीन ही अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। लेकिन वैज्ञानिक ने हाल फिलहाल में दो और अवस्थाओं का खोज किया है, चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन। तो अगर पूछे कि अधिकतम अवस्थाओं की अधिकतम, तब यहां पर तीन नहीं देकर क्या देना पड़ेगा? पांच देना पड़ेगा, क्योंकि एक चौथी अवस्था है कौन, पांचवी अवस्था है। अब इस अवस्था की क्या विशेषताएं होती है, तो आगे क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा से रिलेटेड प्रश्न है इसी चैप्टर में, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से रिलेटेड प्रश्न है, जहां इन अवस्थाओं का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर पूछेगा पदार्थ के मुख्य कितने अवस्थाएं हैं, तो मुख्य तीन ही अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव गैस। लेकिन अगर पूछेगा अधिकतम कितने अवस्थाएं हैं, पांच, क्योंकि चौथी अवस्था किसकी खोज हुई है? प्लाज्मा की। पांचवी अवस्था किसकी खोज हुई है? कोई दिक्कत? अब यहां पर कर कौन एक पदार्थ नहीं है, कौन नहीं है? उष्मा पदार्थ नहीं है, बिल्कुल उष्मा पदार्थ नहीं है। और उष्मा पदार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि उष्मा में द्रव्यमान नहीं होता है। उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे जूल में माप सकते हैं, लेकिन हर मापने वाला इकाई भौतिक राशि होता है, पदार्थ नहीं होता है। पदार्थ वो होगा जिसमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा। पदार्थ वो होगा जिसमें क्या होगा? लेकिन उष्मा में द्रव्यमान नहीं होता है, होता तो हम उसे केजी में माप लेते दोस्तों। जल पदार्थ है, वायु पदार्थ है, क्योंकि वायु में भी द्रव्यमान होता है। अब कहिए वायु में कैसे द्रव्यमान होता है? तो वायु में द्रव्यमान को जानने के लिए आप गुब्बारा में हवा भर दीजिए, आप गुब्बारा का वजन तोल लीजिए, उसके बाद हवा भर कर वजन तोलिए, वजन ज्यादा होगा पहले से कि कम? ज्यादा। जो ज्यादा वजन है वो हवा का ही वजन है, तो हवा में भी वजन होता है, धूल कण में भी वजन होता है। जिसमें वजन अर्थात द्रव्यमान होगा वो पदार्थ होगा, जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा वो पदार्थ नहीं होगा। उष्मा पदार्थ नहीं है, उष्मा पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा यहां पर दोस्तों आकार और आयतन की बात की गई है, किसकी? ठोस द्रव गैस के आकार, ठीक है। एक बार फिर भारती कुमारी प्रश्न पूछ रहा, हवा पदार्थ कैसे है? तो हवा में द्रव्यमान है, इसीलिए हवा क्या है? पदार्थ है। हवा क्या है? द्रव्यमान है। हवा अवरोध उत्पन्न करता है, और हवा में द्रव्यमान है ये कैसे जानेंगे? इसको जानने का सिंपल तरीका है, गुब्बारा ले लीजिए और उसका द्रव्यमान माप लीजिए, गुब्बारा ले लीजिए उसका द्रव्यमान माप लीजिए, अब फिर उस गुब्बारा में हवा को भर के द्रव्यमान माप लीजिए। हवा वाला गुब्बारा का द्रव्यमान बिना हवा वाले गुब्बारे के द्रव्यमान से क्या है? ज्यादा है। जितना बढ़ा हुआ द्रव्यमान है वो निश्चित रूप से हवा का ही द्रव्यमान है, इस बात से साबित होता है कि हवा में द्रव्यमान है। और ये क्लास नाइन्थ के भी बुक में यही एग्जाम्पल दे करके बताया गया है कि बच्चों हवा द्रव्यमान, हवा में द्रव्यमान है, इसलिए हवा पदार्थ है। आपको याद होगा, बाकायदा फिगर के साथ है। आइए नौ नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आपको लग रहा है कि एकदम इस तरह का क्वेश्चन में दम होता है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, चुटकी में बनेगा, अभी आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, फूक दीजिएगा उड़ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। यहां पर
आकार और आयतन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? आकार और आयतन। आयतन मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और आकार मतलब शेप साइज। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, यानी वे अपने आकार को बनाए रखते, उसके आकार में कोई परिवर्तन। एक ठोस पदार्थ का आकार निश्चित, निश्चित मतलब कांस्टेंट, और आकार निश्चित है तो उसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई भी निश्चित रहेगा। एक ठोस पदार्थ का आकार कांस्टेंट बना रहता है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं आखिर ठोस का आकार निश्चित क्यों बना रहता है, तो ठोस के जो परमाणु है ना, ठोस के परमाणुओं के बीच अंतरणविक बल बहुत ज्यादा, अंतरणविक स्थान बहुत कम। ठोस के परमाणुओं के बीच अंतरणविक बल बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उसके परमाणु हिलडुल नहीं सकते हैं, गति करते हैं लेकिन बहुत न्यून वेग से गति करते हैं दोस्तों, बहुत कम वेग से। तो ठोस के परमाणुओं के बीच अंतरणविक बल अत्यंत प्रबल होने के कारण और अंतरणविक स्थान अत्यंत कम होने के कारण वो अपना आकार को क्या बनाए रखता है? निश्चित। और आकार निश्चित बना रहेगा तो लंबाई भी निश्चित बना रहेगा, चौड़ाई भी निश्चित बना रहेगा, ऊंचाई भी निश्चित बना रहेगा। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निश्चित है तो मतलब आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा, यानी कांस्टेंट होगा, यानी बदलाव नहीं होगा। तो ठोस पदार्थ के आकार भी निश्चित होते हैं, और आकार निश्चित होने के कारण ही आयतन निश्चित होते हैं। अगर आकार निश्चित नहीं होता तो आयतन अनिश्चित होने की संभावना की बात थी, लेकिन आकार ही निश्चित होने के कारण ठोस पदार्थ का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। कोई दिक्कत दोस्तों? बताइए कोई दिक्कत? अब ठोस पदार्थ का आकार निश्चित क्यों होता है? तो इनके परमाणुओं के बीच अंतरणविक बल अत्यंत प्रबल होते हैं, अंतरणविक बल अत्यंत प्रबल होते हैं। द्रव्यराय अब जो द्रव पदार्थ हैं उनके परमाणुओं के बीच अंतरणविक बल ठोस से कम और अंतरणविक स्थान ठोस से ज्यादा, ठोस से ज्यादा। वन सेकेंड, हेलो, जी जी, नहीं नहीं पाँच होगा, जी जी पाँच, चालीस हज़ार, जी जी, नहीं नहीं सही है सर, जी जी, हाँ हाँ, सिंगल, पांचों भाई हैं आपस, हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ तो दर्प पर आए, आवाज पहुंच रही है? नहीं, बहुत सीरियस आदमी का फोन था इसीलिए उठा लिए। तो द्रव पदार्थ का जो परमाणु होता है उसके बीच अंतरणविक स्थान ठोस से ज्यादा, अंतरणविक बल भी ठोस से कम, इसीलिए द्रव का आकार जो है निश्चित नहीं क्या होता है? अनिश्चित होता है। और द्रव उसी आकार को ग्रहण कर लेता है जिस आकार के बर्तन में द्रव को रखा जाता है। तो द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित। अब दूध को बाल्टीन में दे दीजिए, बाल्टीन का आकार ग्रहण करेगा, लोटा में दीजिए, लोटा का आकार ग्रहण करेगा, ठीक है, और कोनो बर्तन का नाम बोलिए, कठौता में दे दीजिए, उसका आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो आप एक द्रव पदार्थ को जिस भी बर्तन में रखिएगा द्रव पदार्थ उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, यानी द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है।
अब अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि ठोस का आकार निश्चित लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित क्यों होता है, तो इसका कारण है अंतरणविक बल। ठोस के परमाणु के बीच अंतरणविक बल प्रबल होने के कारण परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जिससे उसका आकार निश्चित रहता है। लेकिन द्रव के परमाणुओं के बीच अंतरणविक बल ठोस से कम होता है, जिसके कारण इसका आकार अनिश्चित होता है। लेकिन द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव के आयतन को प्रायः लीटर में मापा जाता है। किसमें? लीटर में। जिस तरह लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई में ठोस का आयतन मापते हैं ना, उस तरह द्रव का भी मापते हैं। और द्रव का आयतन मापने के लिए प्रायः किसका इस्तेमाल किया जाता है? लीटर का। जैसे एक लीटर पानी को कठौता में रख दीजिए तो एक लीटर रहेगा, बाल्टीन में रख दीजिए तो भी एक लीटर रहेगा, एक लीटर से ज्यादा होगा। तो द्रव के आयतन को प्राय लीटर में मापते हैं और उसका आयतन कांस्टेंट रहता, निश्चित रहता है। बस समझ गए कि नहीं? तो द्रव के आकार अनिश्चित होते हैं लेकिन आयतन निश्चित। एक लीटर दूध को हम जिस भी बर्तन में रखेंगे वह एक के लीटर रहेगा, अर्थात आयतन निश्चित ही रहेगा, लेकिन आकार अंतरणविक बल कम होने के कारण कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा। तो ठोस के आकार क्या होते हैं? आयतन भी क्या होते हैं? द्रव के आकार, आयतन। अब आइए दोस्तों, गैस, गैस, गैस के परमाणुओं के बीच अंतरणविक बल सबसे कम और अंतरणविक स्थान सबसे ज्यादा। गैस के परमाणु के बीच अंतरणविक बल नगण्य होता है, 9 के बराबर, और अंतरणविक स्थान बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका आकार भी क्या होता है? अनिश्चित। आकार क्या होता है? अनिश्चित। और आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित। आयतन भी क्या होता है? और गैस का आयतन उस बर्तन के आयतन के बराबर होता है जिस बर्तन में आप इसको रख रहे हैं। आप थोड़े से थोड़े गैस को किसी भी बर्तन में रख दीजिए, वो पूरे बर्तन के एरिया को छेक लेगा। तो गैस के परमाणुओं के बीच अंतरणविक बल इतना कम, इतना कम, इतना कम कि आकार भी अनिश्चित होते हैं और आयतन भी अनिश्चित होते हैं। आयतन भी क्या होते हैं? अनिश्चित। अब आइए, ठोस के आकार निश्चित, आयतन, क्योंकि ठोस के परमाणुओं के बीच अंतरणविक बल सबसे, जबकि अंतरणविक स्थान सबसे कम होता है। द्रव का आकार क्या होता है? निश्चित लेकिन अनिश्चित। लेकिन आयतन क्या होता है? ऐसा इसलिए कि द्रव के परमाणुओं के बीच अंतरणविक बल ठोस से कम और द्रव के परमाणुओं के बीच अंतरणविक स्थान ठोस से। गैस का आकार आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, क्योंकि गैस के परमाणुओं के बीच अंतरणविक बल नगण्य, 9 के बराबर होता है, अंतरणविक स्थान बहुत ज्यादा होता है। तो ठोस, द्रव, गैस के आकार और आयतन को समझ गए हैं। अब क्वेश्चन बनाइए। किधर दीवाने, क्वेश्चन बनाइए। करण, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? सब सही है। एक बार हम भी बनाकर चेक कर लेते हैं। ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, सही है। द्रव के आयतन निश्चित रहते परंतु आकार परिवर्तनशील, बिल्कुल सही है। द्रव के आयतन निश्चित रहते परंतु आकार, द्रव वही आकार को ग्रहण कर लेता है, द्रव वही आकार को ग्रहण कर लेता है जिस बर्तन में द्रव को रखा। गैस के आकार और आयतन दोनों ही परिवर्तनशील यानी बदलते रहते हैं, अनिश्चित होते हैं। बिल्कुल सही है, तीनों का तीनों कथन सही है। सोनी यादव, अंकित कुमार, प्रिंस कुमार, शशि यादव, सबका आंसर डी आ रहा है। वेरी गुड दोस्तों। क्या हुआ? सब आंसर दे रहा है, ठीक है। अब आंसर दे रहा, सब समझ रहा। आप लोग से आंसर निकल रहा है ना? हाँ,
और क्वेश्चन कंप्लीट है, किसी को लगता है कि क्वेश्चन करा रहे हैं सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा केमिस्ट्री का? 100% जितना क्वेश्चन हम आपके नोट में है वो सारा निचोड़ है, मार्केट में जितना बुक बिक रहा है ना केमिस्ट्री का सब हम खरीद लिए हैं, और सब का क्वेश्चन एक जगह कर दिए हैं। अब परीक्षा का सेटर का भी पहला पसंद हमारा नोट है, ठीक है? सेटर को भी सेट करने में, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत सब हो जाता है, तो हमारा नोट मंगवा लेता है 10 नंबर। अब मिला सकते, अब कहिएगा कि हम हवा दे रहे हैं, अब मिला सकते हैं। और आप पदार्थ का पूरा क्वेश्चन करिए, उसके बाद सीडीएस बीआरएसएससी छोड़िए, सीडीएस से लेकर एनडीए तक के एग्जाम कब बनाइएगा, पदार्थ वाला क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको प्रश्नों के माध्यम से। 10 नंबर, 10 नंबर, पदार्थ किस अवस्था में तरलता का गुण होता है? तरलता फ्लूडिटी मतलब बहने का गुण, तरलता मतलब बहने का गुण, यानी किस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति मतलब फ्लो करने की प्रवृत्ति, फ्लो करने की प्रवृत्ति को ही फ्लूडिटी यानी कि तरलता कहते। तो एक ठोस पदार्थ में बहने की फ्लो करने की प्रवृत्ति होती है? नहीं, लेकिन द्रव पदार्थ में फ्लो करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव को नीचे गिरा दीजिए फ्लो करने लगेगा, गैस में तो फॉलो करने की सबसे ज्यादा प्रवृत्ति होती है, एक जगह गैस को छोड़ दीजिए वो बह करके फॉलो करके कहाँ जाएगा पता नहीं कहाँ जाएगा दोस्तों। तो पदार्थ के किस अवस्था में फ्लूडिटी यानी तरलता का गुण पाया जाता है, यानी पदार्थ की कौन सा अवस्था फ्लो करता है, तो वो द्रव है और गैस है, लेकिन द्रव के तुलना में गैसों में जो फ्लूडिटी का गुण है बहुत, यानी कि गैस बह करके फ्लो करके अनंत दूरी तय कर सकता है, लेकिन द्रव एक निश्चित सीमा तक ही बह सकता है। यानी फ्लूडिटी का गुण द्रव में भी और गैस में है, ज्यादा किस में है? गैस में। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि द्रव और गैस में फ्लूडिटी का गुण है, द्रव और गैस बहते हैं ठोस क्यों नहीं बहते हैं, ठोस में फ्लूडिटी का गुण क्यों नहीं है? तो ठोस के परमाणुओं के बीच आंतरणविक बल इतना प्रबल है कि उसके परमाणु एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते। ठोस के परमाणुओं के बीच आंतरणविक बल इतना प्रबल है कि ठोस के परमाणु एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते, और जब परमाणु एक दूसरे को छोड़ नहीं सकता है तो क्या वो बह सकता है? नहीं। द्रव और गैस में तरलता का गुण इसलिए पाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि द्रव और गैस के परमाणुओं के बीच आंतरणविक बल ठोस के अपेक्षा बहुत कम होती है। गैसों में तरलता का गुण सबसे अधिक इसलिए है कि गैस के परमाणुओं के बीच आंतरणविक बल लगनीय है 9 के बराबर, इसलिए हर एक परमाणु एक दूसरे को छोड़कर अनंत दूरी तक की यात्रा कर सकते हैं गैस का, इसीलिए तरल पदार्थ के अंतर्गत द्रव भी आते हैं और गैस भी आते हैं, क्योंकि दोनों ही पदार्थ में तरलता का गुण है, अर्थात बहने का गुण है, फ्लो करने का गुण है, द्रव में कम है गैस में बहुत ज्यादा है। ठोस के आंतरणविक बल अत्यंत प्रबल होने के कारण ठोसों में तरलता का गुण नहीं पाया जाता है, ठोसों में तरलता का गुण नहीं पाया जाता है दोस्तों। 1 से 10 तक क्वेश्चन याद हो गया? एक बार पढ़ लीजिए तो सरसरी निगाह से। तुम बना ली है जी? बना के आए हैं? हाँ बोलिए ना जी, कैसे? अच्छा, हवा में कैसे उत्पन्न होता है? हवा में गाड़ी पर बैठकर, कभी बाइक पर बैठकर चले हैं? बाइक का स्पीड बढ़ाइए, हवा का अवरोध का प्रत्यक्ष अनुभव होगा।
लगेगा हवा उठा के फेंक देगा हमको। तो जो भी पदार्थ परमाणुओं से बन पदार्थ परमाणुओं से बने हैं वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या एक से दस तक याद हो गया? ज्ञान प्रकाश कुमार नवल किशोर प्रसाद मधु कुमारी शशि यादव सबसे बन गया है दोस्तों। आगे 11 नंबर निम्नलिखित में 11 नंबर एक से दस तक किसी कोई दिक्कत नहीं? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है थ्योरी नहीं हो रहा है? थ्योरी भी हो रहा है। 11 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुण धर्म नहीं है? द्रव पदार्थ के गुण धर्म नहीं है। तो आइए एक एक करके हम इन गुणों को देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित कॉम्प्रेस्ड संपीड़ित अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? कॉम्प्रेस्ड। जब एक पदार्थ को दबाकर हम उसका आयतन कम कर दे तो हम कहेंगे कि पदार्थ में संपीड़न का गुण मौजूद है। संपीड़ित करने का मतलब होता है दाब लगाकर आयतन को क्या कर देना? कम कर देना। संपीड़ित करने का मतलब है कि दाब लगाकर आयतन को क्या करना? कम कर देना। तो दाब लगाकर ना तो हम ठोस के आयतन को कम कर सकते हैं ना ही द्रव के आयतन को कम कर सकते हैं। ठोस में भी संपीड़न का गुण नहीं है, द्रव में भी संपीड़न का गुण नहीं है। संपीड़न का गुण केवल गैस में है। गैस को दबा करके हम उसके आयतन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो द्रव को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है। एक लीटर दूध को दबाकर आधा लीटर कर सकते हैं आप? ताज दबाने के लिए जेसीबी क्यों नहीं बुला ले? हो सकता है। तो जब संपीड़न गुण क्या है समझे कि नहीं? संपीड़न गुण क्या है समझे कि नहीं? जब दाब लगाकर हम आयतन को कम कर दे तो हम कहेंगे कि पदार्थ में संपीड़न का गुण मौजूद है। पदार्थ में संपीड़न का गुण मौजूद है। लेकिन हम दबा करके आयतन के भी हम दबा कर ठोस के भी आयतन को कम नहीं कर सकते हैं और दबा कर द्रव के भी आयतन को कम नहीं कर सकते। इसलिए ठोस में भी संपीड़न का गुण नहीं होता है और द्रव में भी संपीड़न का गुण केवल किसमें? और गैस को दबाकर आप आयतन इसलिए कम कर सकते हैं, आप जानते हैं कि गैस के परमाणु के बीच अंतरणविक बल बहुत ज्यादा अंतरणविक स्थान बहुत ज्यादा गैस के परमाणु के बीच अंतरणविक स्थान बहुत। तो जब हम ऊपर से दाब लगाते हैं ना, इसके अणु क्या होते हैं? निकट आ जाते हैं। क्या जाते हैं? और फलस्वरूप इसका दाब आयतन क्या होता है? अब देखिए ये गैस है, दबा करके उसके परमाणु को निकट ला देते हैं जिसके कारण आयतन क्या होता है? घट जाता है। और इस तरह से गैस में संपीड़न का गुण मौजूद है। तो ठोस और द्रव को दबा कर आप आयतन कम नहीं कर सकते क्योंकि ठोस और द्रव के परमाणु के बीच बहुत ज्यादा जगह खाली, लेकिन वही गैस के परमाणु के बीच बहुत जगह खाली होने के कारण उसको दबाकर हम संपीड़ित कर सकते हैं। तो संपीड़न का गुण किस अवस्था में? ठोस और द्रव में है। तो करे कौन सा एक द्रव का गुणधर्म नहीं है? तो पहला ही द्रव का गुणधर्म नहीं है। द्रव का घनत्व ठोस पदार्थ के तुलना में कम होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सबसे ज्यादा घनत्व किस पदार्थ का? उससे कम है। सबसे कम ठोसों का घनत्व तो सबसे ज्यादा और गैसों का घनत्व तो सबसे कम। घनत्व समझ रहे हैं ना? घनत्व तो यानी कि डेंसिटी। घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे घनत्व। घनत्व वो भौतिक राशि है जो
हल्का और भारीपन के बारे में बताता है। हल्का और भारीपन के बारे में जानकारी कौन देता है? घनत्व। जैसे 100 केजी रुई को आप उठा लीजिएगा, 100 किलो रुई का जो गांठ होगा उसको आप उठा लीजिएगा, लेकिन लोहा को नहीं उठा पाइएगा। दोनों 100 केजी है, रुई उठ जाएगा लेकिन लोहा नहीं उठेगा। एक बोरा रुई भर के देंगे, कहेंगे इसको ले जाओ, कहेगा अच्छा ठीक है, ले के चल जाएंगे। वहीं एक बोरा लोहा भर देंगे ना, ठीक है मतलब, तो आपको लगेगा नहीं ले जा पाएंगे। मतलब क्या है कि आप समान दरमान का लोहा, समान दरमान की रुई में रुई को उठा लीजिएगा। 100 केजी का रुई आपको हल्का लगेगा, आप उठा लीजिएगा, लेकिन लोहा नहीं उठा पाइएगा। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि दरमान दोनों का क्या है? ऐसा हो रहा है किसके कारण? घनत्व के कारण। लोहा का घनत्व काफी रुई के तुलना में ज्यादा है, इसीलिए वह रुई के तुलना में काफी भारी है, रुई के तुलना में काफी भारी है। क्लियर, बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो घनत्व एक ऐसी भौतिक राशि है जिससे हम हल्का और भारीपन के बारे में जान सकते हैं, हल्का और भारीपन के बारे में जान सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि 100 केजी का लोहा और रुई एक के समान लगेगा, नहीं। और किसी को शक है तो प्रैक्टिकल आज ही कर लीजिएगा। क्लियर। तो द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस से कम होता है। द्रव आसानी से बहते हैं, बिल्कुल हम द्रव से भी आसान तरीके से गैस बहता है। द्रव उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें रखा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो पहला कथन ही क्या है? गलत है। पहला कथन ही क्या है? गलत है। द्रव को दबाकर संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। किस पदार्थ को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है? गैस को। किस किस पदार्थ को दबाकर संपीड़ित नहीं किया जा सकता है? ठोस और द्रव को। ठोस और द्रव को। कहिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत? आगे बढ़े हैं। स्पंज, इसको फोम भी बोलते हैं, जिसे आसानी से दबाया जा सकता, कौन पदार्थ है? ठोस है। अब कहिए दबाने पर आकार क्यों बदल गया? स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में हवा भरे होते हैं। हवा कहाँ से आते हैं? हमारा हमारे वायुमंडल से। और जब स्पंज को दबाते हैं ना तो उसके छिद्र से हवा निकल जाता है, इसीलिए वो दब जाता है। तो स्पंज ठोस पदार्थ है। अब आप कहिएगा ठोस पदार्थ है तो उसका आकार और आयतन तो निश्चित होनी चाहिए। निश्चित ही है, बस उसमें हवा भर जाने के कारण, निकल जाने के कारण, हवा भर और निकल जाने के कारण जो है उसका आकार क्या हो रहा है? बदल रहा है। नहीं तो अन्य ठोस पदार्थ में जो जो गुण है वो स्पंज में मौजूद है। तो स्पंज ठोस पदार्थ है। स्पंज कैसा पदार्थ है? अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होते हैं लेकिन स्पंज को दबाने से तो उसका आकार बदल जाता है, तो वो स्पंज जो है दोस्तों उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसमें हवा भर जाने के कारण वो फूल जाते हैं, और दबाने पर उन छिद्रों से हवा निकल जाने के कारण उसका आकार क्या होता है? बदल जाता है। हवा के प्रवेश और निकलने के कारण स्पंज का आकार बदलता है, बाकी स्पंज ठोस पदार्थ है, उसका जो मूल आकृति है वो अपना बनाकर ही रखता है दोस्तों। तो पहला का 12 का आंसर क्या होगा? ये तो क्वेश्चन बन जानी चाहिए क्या? सर्वाधिक प्रबल अंतरा अनुक बल, सर्वाधिक है प्रबल अंता। ऑनलाइन वाले ललटुम कुमार जब आंसर देने तो क्वेश्चन का नंबर भी लिखिएगा। सर्वाधिक प्रबल अंतरानुक बल किस पदार्थ के कणों के बीच? वेरी गुड दोस्तों। और सबसे कम? गैस। सबसे कम? तो अंतरानुक बल सबसे ज्यादा ठोस पदार्थों के बीच, और सबसे कम गैसीय पदार्थों के बीच। सबसे कम गैसीय पदार्थों के बीच। कोई दिक्कत?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर ऑनलाइन वाले 14 नंबर प्रश्नों को बनाइएगा तो बन रहा है कि ना आपसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस के कणों के बीच अंतरानुबल सबसे अधिक। सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। गैस के कणों के मध्य अंतरा अनुकस्थान सबसे अधिक। ये तो गलत है जी। गैस के हल्ला नहीं, सब एक साथ बोलते हैं बहुत हल्ला हो जाता है। कथनों पर विचार कीजिए। ठोस के कणों के बीच अंतरानुक बल सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही है। अंतरानुक बल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स। गैस के कणों के मध्य अंतरानुक स्थान सबसे अधिक होता है। ये कथन क्या है? गलत है। ओ अच्छा सॉरी, यहाँ पर स्थान की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? स्थान की बात की जा रही है। अंतरा अनुक स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस। तो गैस के कणों के मध्य अंतरा अनुक स्थान सबसे अधिक होता है। बिल्कुल यह भी क्या है? सही है। तो दोनों कथन क्या है? ये भी, एक भी सही है और दो भी सही है। एक भी सही है, दो भी सही है। सबसे अधिक अंतरा अनुबिक बल, सबसे अधिक अंतरानुबिक बल ठोस में, सबसे कम अंतरानुबिक बल गैस में। सबसे अधिक अंतरा अनुक स्थान या अंतरानुबिक स्थान गैस में, सबसे कम ठोस में। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर अंतरा अनुक बल का जिक्र है और यहाँ पर अंतरा अनुक स्थान का जिक्र है। गैस में ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन होता है। बिल्कुल बात सही है, पहले ही हम जान चुके हैं। गैस में ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन होता है। क्यों? तो एकमात्र कारण मुख्य है अंतरानुबिक बल और अंतरानुबिक स्थान। गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होने का कारण गैस के परमाणुओं के बीच अंतरानुबिक बल नगण्य होता है। गैस के परमाणुओं के बीच अंतरानुबिक बल क्या होता है? नगण्य होता है, नगण्य। तो गैस पदार्थ की अवस्था नहीं है, यह तो गलत है। अंतरानुबिक बल का चर्चा किधर किया गया है? अच्छा देख लेते। गैस में ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन होता है। क्यों? तो ये भला होगा नहीं, गैस पदार्थ की अवस्था नहीं, ये तो सरासर गलती बात लिखा हुआ है। गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता नहीं, गैस के कण का निश्चित स्थान नहीं होता तथा ये कण किसी भी तरफ गति कर सकते हैं। बिल्कुल ये इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। यहाँ पर अंतरानुबिक बल का जिक्र नहीं किया गया है, उसी को दूसरी तरह से लिखा गया है। गैस के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है। क्यों? तो अंतरानुबिक बल उसमें होते नहीं है कि वे एक दूसरे को आकर्षित कर निश्चित स्थान बनाए रखे। तो गैस के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है तथा ये कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसके कारण आकार निश्चित नहीं रहता है और उसी के कारण आयतन भी निश्चित नहीं रहता। इसका आंसर सी होगा। कुछ लोग इसका डी दे रहे हैं, डी नहीं होगा। गैस में ठोसों तथा द्रवों की तुलना में कण एक दूसरे से अत्यधिक दूर होते हैं। बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन इस कथन का ये सबसे अच्छा उत्तर नहीं है। इसका सबसे बेहतर उत्तर सी होगा दोस्तों। ठीक है कि गैस के कण का निश्चित स्थान
नहीं होता है, क्योंकि गैस में अंतरणविक बल नगण्य होते हैं, और अंतरणविक बल नगण्य होने के कारण, अंतरणविक बल गैस के परमाणुओं के बीच न के बराबर होने के कारण उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, और वह किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिससे आकार बदलते रहता है, और आकार बदलने के कारण आयतन भी बदलते रहता है, आयतन भी बदलते रहता है। क्लियर, बस समझ गए, आगे बढ़े। सी एंड डी होगा, नहीं डी नहीं होगा दोस्तों, यहां पर अंतरणविक स्थान की बात की जा रही। अगर ये कथन जो है डी नंबर दोस्तों, कि गैसों में ठोसों तथा द्रवों की तुलना में, गैसों में ठोसों तथा द्रवों के तुलना में कण एक दूसरे से अत्यधिक दूर दूर होते हैं, तो यहां पर जिक्र अंतरणविक स्थान की हो रही है। किसकी हो रही है? अंतरणविक स्थान की हो रही है। अगर क्वेश्चन ये रहता कि गैसों में संपीड़न का गुण क्यों पाया जाता है, तब उसका उत्तर जानते हैं क्या होता? डी होता। अगर हमसे यही प्रश्न है, ईश्वर है जी, लगता है AK-47 किधर है, ठीक है समझे, अब लगता है जाग करिए, जाग करिए, नौकरी का तैयारी कर रहे हैं जी, कि मैट्रिक का परीक्षा देना है, गजब स्थिति बना के रखी। दिनों दिन नौकरी मुश्किल होते जा रहा है, क्लास में सो रहे हैं, ऑनलाइन वाला भी कुछ सो रहा होगा, हमको आइडिया जो है। हाँ, तो डी नंबर जानते हैं किस प्रश्न का डी एक बेहतर विकल्प होता? अगर हमसे ये प्रश्न पूछा जाता कि गैसों में संपीड़न का गुण क्यों पाया जाता, गैसों में संपीड़न का गुण क्यों पाया जाता, तब उसका उत्तर क्या होता? डी। आकार और आयतन अनिश्चित होने का मुख्य कारण गैसों के परमाणुओं के बीच अंतरणविक बल नगण्य होने के कारण है, अंतरणविक बल नगण्य होने के कारण है। लगता ये भी हार्डी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, क्वेश्चन कोई रहेगा सब हवा हवा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? बना लिए। अच्छा, यहां पर एक चीज का जिक्र हो रहा है, सबसे पहले विसरण का जिक्र होगा, तो हम विसरण को समझ लेते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्यूजन। एक विसरण आप बायोलॉजी में पढ़े थे, तो वो वाला विसरण नहीं है ये। बायोलॉजी में सेल में डिफ्यूजन पढ़े थे ना, वहां पर डिफ्यूजन का कुछ और मतलब था, ठीक है। लेकिन ये केमिस्ट्री वाला विसरण है, इसका अर्थ बायोलॉजी वाले विसरण से भिन्न है, पहले ये बात आप जान लीजिए। तो विसरण क्या है? भिन्न भिन्न पदार्थों का आपस में घुल मिल जाना ही क्या कहलाता है? भिन्न भिन्न पदार्थों का आपस में घुल मिल जाना ही क्या कहलाता है? घुलना मिलना ही क्या है? मिश्रण है। ठोस पदार्थों में मिश्रण का गुण नहीं पाया जाता है, यानी ठोस पदार्थ आपस में घुल मिल नहीं सकते हैं। लोहा में तांबा मिला दीजिएगा, घुल मिल जाएगा। तो परस्पर घुलना मिलना क्या कहलाता है? ठोस और ठोस आपस में विसरित नहीं होते हैं, यानी ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन द्रवों में विसरण का गुण पाया जाता है। दूध और पानी आपस में घुल मिल जाते हैं कि नहीं? अल्कोहल और जल आपस में घुल मिल जाते हैं कि नहीं? फिनोल और जल आपस में घुल मिल जा, फिनोल एक द्रव कार्बनिक पदार्थ है, अल्कोहल एक द्रव कार्बनिक पदार्थ है दोस्तों। तो द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, यानी द्रव एक दूसरे में घुल मिल सकते हैं, लेकिन ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। और विसरण का गुण सबसे ज्यादा गैसों में पाया जाता है, विसरण का गुण सबसे ज्यादा गैसों में पाया जाता है। जैसे हमारा हवा है, इसमें तीन चार गैस मिला हुआ है,
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मुख्य तीन गैस आपस में क्या है, घुले मिले। तो गैसों, गैस भी, भिन्न भिन्न गैस भी आपस में घुल मिल सकते हैं, यानी गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है। भिन्न भिन्न द्रव आपस में घुल मिल सकते हैं, यानी द्रव में भी विसरण का गुण पाया जाता है। लेकिन ठोस आपस में घुल मिल नहीं सकते हैं, इसलिए ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। तो विसरण डिफ्यूजन समझ गए केमिस्ट्री वाला, पदार्थों का परस्पर घुलना मिलना ही क्या कहलाता है, पदार्थों का परस्पर घुलना मिलना ही क्या कहलाता है। क्या ठोसों में विसरण का गुण पाया जाता है, द्रवों में पाया जाता, गैसों में पाया जाता। अब पहला विसरण समझ गए, अब आंसर निकल रहा है। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, जिसके कारण पदार्थों में विसरण की परिघटना देखने को मिलता। बिल्कुल, विसरण मतलब परस्पर घुलना मिलना, और परस्पर घुल मिल रहे हैं तो वो परमाणु के गतिशील होने के कारण। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, गैसों में विसरण तीव्र गति से होता है, क्योंकि गैसों के कण अत्यधिक तीव्रता से गति करते। बिल्कुल सही है, यानी जितना जल्दी गैस घुलता मिलता है उतना जल्दी द्रव नहीं। तो ये भी क्या है, द्रवों में विसरण गैसों में विसरण की अपेक्षा मंद होता है, है? द्रवों में विसरण गैसों में विसरण की अपेक्षा मंद होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गैसों में विसरण तेजी से होता है और द्रवों में धीमी गति से। जितना जल्दी गैस घुलेगा मिलेगा उतना जल्दी द्रव मिलेगा। तो ये भी सही है कि द्रवों में विसरण गैसों में विसरण की अपेक्षा मंद होता है। तो इसका मतलब अब किसको गलत होना पड़ेगा, ठोस में विसरण बहुत अधिक मंद गति से होता, गलत होता ही नहीं है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि ठोस के परमाणु के बीच अंतरणविक बल अत्यंत अत्यंत प्रबल होता है। जब परमाणु एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं तो वो परमाणु दूसरे के साथ मिलेगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद है, जैसे लोहा और तांबा को सटा कर रख दे, 5000 साल बाद सट जाएगा वो। लोहा और तांबा को सटा कर रख दे तो बहुत बहुत 5000 साल 10000 साल बाद दोनों एक दूसरा में क्या होगा, सट जाएगा। क्यों? लोहा का परमाणु तांबे में प्रवेश कर जाता है, तांबे का लोहा में प्रवेश कर जाता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं अपवाद है। क्या है? अपवाद है। लंबे समय तक दो ठोस को भी कौन भाग रहा है? ठीक, आइए 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 दोस्तों, ये सब 2 घंटा क्लास में नहीं बैठा है तो ये 6 घंटा सरकार के ऑफिस में बैठकर नागरिक को कैसे सेवा प्रदान करेगा? घूस, आज के जनता से घूस। आजकल जनता वीडियो बनाने लगता है कभी भी क्या? अब जिम्मे 10 साल के बाद जो है कोई घुसखोरी सब बंद हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। जनता अब जागरूक हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, जनता को असली चीज पता चल रहा है। इससे पहले जनता के शिक्षा का स्तर जो है ठीक ठाक नहीं था, वो अब सुधार हो रहा है। जब से सोशल नेटवर्किंग साइट हुआ है और जनता जागरूक हुआ है, अपने अधिकार के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हुए हैं, जानने लगे हैं कि मेरा क्या अधिकार था। और धीरे धीरे भ्रष्टाचार में क्या रही है, कमी आ रही है। पहले क्या होता था, मांगा कितना रुपया, 100 रुपया दो, अब उसमें 10 गो है जाएगा तो 100 रुपया क्यों ले रहा है जी, हैं? जल्दी से कोनो यूट्यूबर को बुला कर लाएगा, जाइए ये ये देखिए 100 रुपया क्या। तो घुसखोरी छोड़ दीजिए, आने वाले समय में नागरिक अपने अधिकारों के प्रति इतना सजग हो जाएंगे कि उससे कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अवैध वसूली नहीं कर पाएगा। अवैध वसूली इसलिए नागरिकों से हो जाती है क्योंकि वे अपने अधिकार के प्रति सजग नहीं रहते हैं, समझे कि नहीं समझे। और हमारे देश के
हमारे देश के संविधान में सबसे अधिक शक्ति नागरिकों को प्रदान की गई है। किसको प्रदान की गई है? आप पोल्टी पढ़िएगा, उसमें पता चलेगा। आपको नहीं लगता है कि मैं इसका पावर है, ये कर सकता वो कर सकता है? संवैधानिक रूप से पावर किसी के पास नहीं है, सेवा करने का अधिकार है उनके पास। असली पावर नागरिकों में है। किसमें है? एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में कभी भी शक्ति किसी अधिकारी को सौंपा जा ही नहीं सकता है। अंतिम सबसे अधिक शक्ति अंततः किसके पास रहेगी? नागरिकों के पास रहेगी। नागरिक अगर अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे, भ्रष्टाचार अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और वर्तमान से जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, जनता अपने अधिकारों के प्रति क्या हो रहे हैं? सजग हो रहे हैं। जिसमें यूट्यूबर्स सब का काफ़ी योगदान है, वो भी जनता को सजग करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी सोच रहे हैं घुसखोरी करेंगे नौकरी में जाकर, तो आजकल नागरिक लप्पर थप्पर भी चलाता है, समझे कि नहीं समझे? हाँ, गड़बड़ सरबर दरोगा जी भी रहते हैं तो मार खा जाते हैं पब्लिक से। तो इसका आंसर क्या होगा? 17। वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है। पदार्थ के कण अर्थात परमाणु, पदार्थ के कण अर्थात परमाणु। अब कहिए इस क्वेश्चन तो बन जानी चाहिए, क्या होगा? अंतरणविक बल, ठीक है, अंग्रेजी में इंटर मोलिकुलर फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स। वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है? अंतरणविक बल कहलाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है। सबसे ज्यादा अंतरणविक बल ठोस में, सबसे कम, सबसे अधिक, सबसे कम गैस में। आगे बढ़े, किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पदार्थ के मुख कितने अवस्था है? तीन, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के मुख है तो पांच, अधिकतम पांच, लेकिन मुख के तीन। अब किसी एक पदार्थ को पदार्थ के अन्य अवस्थाओं में बदला जा सकता है। पदार्थ के मुख कितने अवस्था है? तीन। किसी भी एक अवस्था को अन्य अवस्थाओं में बदला, यानी ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, द्रव को गैस को द्रव में, द्रव को, तो किसी भी एक अवस्था को पदार्थ के अन्य अवस्थाओं में बदला जा सकता है। पदार्थ के मुख्य कितने अवस्थाएं? ठोस, द्रव। अब किसी भी अवस्था को पदार्थ के अन्य अवस्थाओं में बदला जा सकता है, कैसे? तो दो तरह से। कितने तरह से? दो तरह से। पहला, उष्मा प्रदान कर, उष्मा प्रदान कर। और जब किसी वस्तु को उष्मा प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाता है? गर्म करना। और दूसरा तरीका है पदार्थ से उष्मा निकाल कर, पदार्थ से उष्मा निकाल कर। उष्मा निकालना क्या कहलाता है? ठंडा करना कहलाता है। जैसे आपसे कह दिया कि हम इस पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, तो मतलब उस पदार्थ को क्या दे रहे हैं? उष्मा दे रहे हैं। किसी पदार्थ को ठंडा कर रहे हैं तो मतलब उस पदार्थ का उष्मा निकाल रहे हैं। तो पदार्थ के मुख्य तीन अवस्थाएं होते हैं। पदार्थ के किसी एक अवस्था को पदार्थ के अन्य अवस्थाओं में बदला जा सकता है, और यह प्रक्रिया कहलाता है चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि अवस्था परिवर्तन। अवस्था, पदार्थ के किसी एक अवस्था को पदार्थ के अन्य अवस्थाओं में बदला जा सकता है।
पदार्थ के एक अवस्था को पदार्थ के दूसरी अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? अवस्था अवस्था परिवर्तन कितने तरह से हो सकते हैं? उष्मा प्रदान कर, उष्मा प्रदान करने का मतलब, उष्मा निकालने का मतलब, क्लियर? अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, किसी भी पदार्थ को गर्म करना आसान है और कम खर्चीला है। किसी भी पदार्थ को गर्म करना आसान भी है और कम खर्चीला भी है, लेकिन ठंडा करना अत्यधिक कठिन भी है, अत्यधिक खर्चीला भी है। बस समझ गए ना, गर्म करना आसान है कम खर्चीला, लेकिन ठंडा करना कठिन है और अधिक खर्चीला भी है। यानी किसी पदार्थ को गर्म करना आप चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, कम खर्चे में कर सकते हैं, लेकिन उसी पदार्थ को ठंडा करने के लिए आपको बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। घर में ही देख लीजिए, चूल्हा पर तुरंत गर्म कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज नहीं है तो ठंडा नहीं कर सकते हैं। बस समझे कि ना? तो किसी भी पदार्थ को गर्म करके अथवा ठंडा करके या उष्मा प्रदान करके उष्मा निकाल करके अवस्था को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या, समझ गए ना? गर्म करना आसान तथा कम खर्चीला है, उसके बनिस्पत ठंडा करना कठिन और अधिक खर्चीला है। बात समझ गए? अब यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम ठोस को गर्म करेंगे, उष्मा प्रदान करेंगे, वो किस में बदल जाएगा? द्रव को गर्म करेंगे, गैस में। क्लियर? एक ठोस को गर्म करेंगे तो, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस। क्लियर? तो अवस्था परिवर्तन कैसे कैसे होता है, बात को समझ गए? ठोस को गर्म करने पर द्रव, और ये एकदम क्रमिक रूप में होगा। क्रमिक यानी ठोस को गर्म करिएगा, पहले द्रव ही बनेगा, द्रव ही बनेगा, उसके बाद गैस। गैस को ठंडा करिएगा, पहले द्रव बनेगा, उसके बाद ही ठोस बनेगा। यानी अवस्था परिवर्तन इसी क्रम में होते हैं। ठोस को गर्म करेंगे द्रव, द्रव को गर्म करेंगे गैस, गैस को ठंडा करेंगे द्रव, द्रव को ठंडा करेंगे ठोस। क्लियर? लेकिन अवस्था परिवर्तन के कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, अवस्था परिवर्तन के कुछ अपवाद ही भी हैं। यानी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस हैं, क्या है, लेकिन उसको गर्म करने से वो द्रव अवस्था में न आकर सीधे गैस अवस्था में आ जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस है, उसको गर्म करने पर वो सीधे गैस में आते हैं, द्रव अवस्था आता ही नहीं है। और जो ठोस को गर्म करने पर सीधे गैस बनता है, उस गैस को ठंडा करने पर वो सीधे ठोस ही बनता है। दोस्तों, जिस ठोस पदार्थ को गर्म करने पर डायरेक्ट गैस बनता है, उस गैस को ठंडा करने पर डायरेक्ट ठोस ही बनता है। और यह अवस्था परिवर्तन का अपवाद है, क्योंकि अवस्था परिवर्तन कहता है ठोस को गर्म करने पर पहले द्रव बनेगा। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिसको गर्म करने पर वो द्रव नहीं, डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। और फिर उस गैस को ठंडा करने पर वो डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा ही पदार्थ है, ये ठोस अवस्था में है, इसको गर्म करिए डायरेक्ट क्या बनेगा, अब फिर गैसी अमोनियम क्लोराइड को ठंडा करने पर डायरेक्ट क्या बनता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सबलीमेशन, सबलीमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है, और गैस का डायरेक्ट ठोस में बदलना रिवर्स सबलिमेशन कहलाता है, व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बात समझ गए? तो ठोस का गैस में बनना भी ऊर्ध्वपातन है, और गैस का ठोस बनना भी क्या है। बस कभी कभी गैस से ठोस बनना को व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन या रिवर्स सबलिमेशन कह देते हैं दोस्तों। तो बात समझे कि नहीं समझे? अवस्था परिवर्तन समझे?
क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए किसी ठोस का सीधा। अवाश्प, अवाश्प का मतलब क्या? गैस। वाष्प का मतलब क्या? गैस। दोस्तों ध्यान दीजिए, फिर भी थोड़ा अंतर है। कभी कभी आपको मिल जाएगा क्या? भाप। और अभी यहां पर है आपका क्या? वाष्प, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेपर। एक होता है भाप, एक होता है वाष्प। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। भाप आंखों से दिखता है, वाष्प आंखों से दिखता नहीं है। दोनों ही गैसीय स्वरूप है। भाप भी गैसीय स्वरूप है और वाष्प भी गैसीय स्वरूप है, लेकिन फिर भी इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? तो भाप बनेगा तो आंखों से दिखेगा, लेकिन वाष्प आंखों से नहीं दिखेगा। वाष्प आंखों से नहीं दिखेगा। बात समझ गए कि नहीं? तो किसी ठोस का सीधे वाष्प बनना क्या कहलाता है? और वाष्प का सीधे ठोस बनना भी क्या कहलाता है? उर्ध्वपातन ही कहलाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में रिवर्स सब्लिमेशन, उत्क्रमित या व्युत्क्रम उर्ध्वपातन दिया है तब वो आंसर हो जाएगा। लेकिन व्युत्क्रम उर्ध्वपातन नहीं ऑप्शन में, तो यही देना है उत्तर। क्लियर? क्या संघनन? अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहते हैं। संघनन का मतलब हुआ गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है संघनन से जुड़ा हुआ, तो हम आ रहे हैं उस पर और संघनन क्लियर करवा देंगे। उर्ध्वपातन में कोई दिक्कत? ठोस का सीधे गैस या वाष्प बनना भी उर्ध्वपातन है, और गैस या वाष्प का सीधे ठोस बनना भी क्या है? उर्ध्वपातन ही है। लेकिन कभी कभी वाष्प का सीधे ठोस या गैस का सीधे ठोस बनना रिवर्स सब्लिमेशन, उत्क्रमित उर्ध्वपातन या व्युत्क्रम उर्ध्वपातन भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, संघनन का क्वेश्चन यहीं पर आप पूछे थे ना, कौन पूछे थे संघनन क्या होता है? अच्छा, जवाब मिलेगा। आप तो डबल डबल बैच किए हैं, संघनन अब तक नहीं समझे हैं। इसका मतलब सेल्फ स्टडी नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, पढ़ने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। पूरा मार्केट पढ़िए रहा है, पक्के बल। आपको नहीं बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, ठीक है? दिल पर मत लीजिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, लगातार कंटिन्यू रहकर केवल पढ़ना ही होगा। बस समझ रहे ना? हाँ, अगर एक दिन पढ़ाई छोड़िएगा ना, तो आप कंपटीशन मार्केट में एक क्वेश्चन पीछा चले जाइएगा। ये अवस्था परिवर्तन से है। आप ये जानते हैं कि ठोस को गरम करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव। और द्रव को गरम करेंगे तो गैस। क्लियर? बात समझ गए ना? ठोस को गरम करने का मतलब उष्मा देना, तो ठोस को गरम करेंगे द्रव। और ठोस जिस ताप पर द्रव में बदलता है उस ताप को ठोस का क्या कहते हैं? गलना या गलना कहते हैं। तो गलेगा कौन? ठोसे नहीं गलेगा। आपको कोई कहेगा कि दूध गल रहा है, अब मानिएगा दूध गलेगा कौन? तो ठोस जिस ताप पर द्रव में बदल जाते हैं उस ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। ठोस का गलनांक कहते हैं। गलेगा ठोस। द्रव जिस ताप पर गैस बनते हैं उसको कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट, अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट। तो ठोस जिस ताप पर द्रव बना उस ताप को ठोस का, यानी ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन गलना सही है।
द्रव का गैस में परिवर्तन होना क्वथन सही है, क्लियर। ठोस का द्रव में बदलना गलना है, और जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलते उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। अब दोस्तों ये समझिए कि गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, और द्रव को और ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, ठोस बनेगा। बनेगा क्यों बनेगा है? तो गैस का द्रव में बदलना हिमांक कहलाता है, क्या कहला, सॉरी संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता, कंडेंसेशन। गैस का द्रव में बदलना संघनन, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता। जिस ताप पर गैस द्रव में बदलते हैं उस ताप को गैस का संघनन बिंदु कहते हैं, और द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता। क्या कहलाता है? या इसके लिए हिमांक का यूज करते, किसका, हिमांक का। तो ठोस का द्रव में बदलना गलना, द्रव का गैस में क्वथन, द्रव का गैस में क्वथन, गैस का द्रव में संघनन, द्रव का ठोस में जमना या हिमांक। जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलते हैं उस ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं, जिस ताप पर द्रव गैस में बदलते हैं उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, जिस ताप पर गैस द्रव में बदलते उसे गैस का संघनन बिंदु कहते हैं, जिस ताप पर द्रव ठोस में बदलते हैं उसे द्रव का जमना कहते हैं, उसे द्रव का या हिमांक, जमनांक हिमांक, क्लियर। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ए भी तो सुमेलित है। गैस का द्रव में परिवर्तन जमना कहलाता है, नहीं, क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। द्रव का ठोस में जमना कहलाता है, तो कौन एक सुमेलित नहीं है? सी सुमेलित नहीं है। समझ गए? अब बस हाँ, तो उर्ध्वपातन होगा। डिस्कशन में काहेले संघनन बताएंगे, हम बताए थे वो उर्ध्वपातन होगा वहां पे, पीछे पर वो मिस्टेक हुआ होगा उनसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले, गलनांक और हिमांक में। अब देखिए, गलनांक वह ताप बिंदु है जिस पर ठोस किसमें बदलते हैं, जबकि हिमांक वह ताप बिंदु है जिसमें द्रव किसमें बदलते, ठोस में बदलते, क्लियर। हिमांक वह ताप बिंदु, हिमांक का संबंध किस अवस्था से है और गलनांक का संबंध किस अवस्था से, ठीक है ना। ठोस का द्रव में बदलना गलना कहलाता है, और द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है, क्लियर। हाँ नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना। किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? उर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? उर्ध्वपातन। दोस्तों आगे का प्रश्न अब अगले क्लास में लेंगे, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में प्रश्न भारी भारी रहता है इसीलिए धीमी गति से हो रहा है। जैसे हम अंतिम में जाएंगे ना, क्वेश्चन बहुत, अब लगभग आगे जितना प्रश्न है ना उसमें 10-15% क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत में थोड़ा लेट लगता है, आपको लगेगा इतना देर से 20 क्वेश्चन हुआ, तो शुरुआत में जो क्वेश्चन होता है ना बहुत भारी टाइप का होता है, लगभग उसमें पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना पड़ता है। तो 20 का 20 क्वेश्चन याद हो गया ना? भवेश कुमार, प्रीति राज। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, क्या। हाँ, एक तो अंतर यह है कि भाप पंखों से दिखेगा, वाष्प पंखों से नहीं दिखेगा, ये पहला अंतर देख लिया। हाँ, बॉयल जब करते हैं तो उसका भाप बनता है, और वेपर जो है हर टेम्परेचर पर बनता है। जैसे आपका कपड़ा सूखता है तो कपड़ा का पानी वेपर के रूप में निकलता है, कपड़ा सुखाते हैं ना, चाहे पंखा के हवा में सुखाएं या धूप में, तो आपके कपड़ा का पानी जो निकल रहा है वो किस रूप में,
वेपर के रूप में। जब आप बॉयल कर रहे हैं तब वो वाष्प भाप बन रहा है, वो वेपर नहीं है। अगला अंतर है कि वेपर जो है, वाष्प जो है, वो हर टेम्परेचर पर बनता है। माइनस टेम्परेचर पर भी जल का ऊपरी परत वाष्प में परिवर्तित होते रहता है, लेकिन भाप जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बनेगा। जैसे भाप तब बनेगा जब जल 100 डिग्री गर्म है, लेकिन जल 0 डिग्री गर्म भी है, 1 डिग्री है, 10 डिग्री है, वाष्प बनते रहेगा, लेकिन भाप बनेगा एकदम 100 डिग्री पर। क्या बोले? नहीं नहीं, उसको बॉयलिंग कहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना, आप गर्म करते उसको बॉयलिंग कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में।